गुड मॉर्निंग PHTC फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम PHTC फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे गरीबी और शिक्षा के संबंध में। तो हमारा टॉपिक है गरीबी और शिक्षा, तो किस प्रकार से गरीबी के माध्यम से भी बालकों को शिक्षित है वो किया जा सकता है, गरीब बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस प्रकरण के माध्यम से हम उचित जानकारी वो प्राप्त करेंगे। भारत के गरीब वर्ग को शिक्षित करने हेतु, हमारे देश के गरीब वर्ग को शिक्षित करने हेतु हमारी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलकर बालकों को शिक्षा प्रदान करवाने का कार्य किया जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार, भारत के प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर बालकों के, जो गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोले जाते हैं, उन विद्यालय के अंदर उनको निःशुल्क वो शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय एक के तहत 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाने की अनिवार्यता दी गई है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत सरकार, हमारी सरकार, देश की सरकार है वो शिक्षा के, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शिक्षा को काफ़ी उपलब्ध करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य वो कर रही है, जिसके अंतर्गत जैसे RTE एक्ट है, सर्व शिक्षा अभियान है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं उन बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा पर सभी का अधिकार, राइट टू एजुकेशन RTE का पूरा नाम है। फिर गरीब बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। जो गरीब बच्चे, ऐसे परिवार जो आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवार है, उन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक प्रकार की उनके लिए एक वैकल्पिक शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका हम शाब्दिक अर्थ क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा जो छात्रों को घर पर रहकर ही दी जाए, ऐसी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तब गरीब बच्चों के लिए उनके माता पिता द्वारा विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान है वो रखा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा भी उन्हें दी जाती है, जिसके मुख्य उद्देश्य वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला क्या है, 9 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करवाना। वे बालक जिनकी आयु 9 वर्ष हो गई है, 9 वर्ष हो गए हैं और 9 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन वे बालक अभी तक विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे बालकों को क्या करना है, अत्यधिक मात्रा में विद्यालय से भेजना है और उनका विद्यालय के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में नामांकन करवाना है और उन्हें शिक्षा दिलवाना एक महत्वपूर्ण अधिकार बन गया है। इसे अशिक्षित बालकों को शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को उसे परिचित करना, ऐसे बालक जो किसी कारण शिक्षा से पिछड़ गए हैं, ऐसे बालकों को हमें ये बताना है कि शिक्षा, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। हमें इस प्रकार से हमें शिक्षा के, अशिक्षित बालकों को शिक्षा की आवश्यकता एवं उसके महत्व को बताएंगे, तब जाकर वह कहीं ना कहीं विद्यालय से जुड़ेंगे और एक विद्यालय के अंदर अपनी अनूठी भूमिका को निभाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अशिक्षित बालकों की आवश्यकता व महत्व को भी बताना चाहिए, जिससे छात्र शिक्षा के संबंध में अवगत हो पाएंगे और अशिक्षित बालक भी शिक्षा से जुड़ेंगे और अधिक से अधिक विद्यालय में अपना नामांकन है वो बढ़ाएंगे। फिर प्रवासी व घुमक्कड़ बालकों को शिक्षा से जोड़ना। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर कई ऐसी जनजातियां हैं जो अपने व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले तो उन आदिवासी जनजातियों को एक जनजातियों को स्थायी रूप से बसाए और स्थायी रूप से बसने के बाद में उन जनजातियों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था है वो मुहैया करवाया जाए और उनके बालकों को अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षा से जोड़ा जाए और उनका विद्यालय के अंदर नामांकन बढ़ाने हैं तो विशेष तौर से प्रयास करने होंगे। फिर भोजन एवं पाठ्य पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध करवाना। देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मिड डे मील योजना चल रही है सरकार के द्वारा, जिसके अंदर छात्रों को दोपहर का भोजन है वो निःशुल्क
करवाया जाता है। इसके साथ में ही जो उनको पुस्तकें भी दी जाती है वो भी निःशुल्क उनका भी वितरण है वो किया जाता है। अतः हमें चाहिए कि विद्यालय के अंदर भोजन और पुस्तकें निःशुल्क मिलेंगी तो उसके माता पिताओं का जो बोझ है, एक और तो वो निर्धन है, दूसरी ओर वो इतने अत्यधिक मात्रा में कमाते भी नहीं हैं जिसकी वजह से वे उनके बच्चों को ये उचित मात्रा में संतुलित भोजन करवा दे सके और उचित मात्रा में पाठ्य पुस्तक को खरीद सके। अतः मिड डे मील योजना के द्वारा वर्तमान समय में बालकों को भोजन दिया जाता है और उनके लिए पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता की शिक्षा का प्रदान। छात्रों को विभिन्न प्रकार से सृजनात्मक शिक्षा पाठ्यक्रम की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन इसके साथ में सृजनशीलता की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो छात्र विभिन्न प्रकार से क्रियाशील रहे और पाठ्य पुस्तक के अलावा वो सृजनशीलता के गुणों का उनके अंदर विकास हो और रचनात्मक दृष्टि से छात्र वह काफ़ी आगे बढ़े और किसी भी कार्य को करने में सफल हो जाए। उसके बाद में जैसे वे विद्यालय छोड़ देंगे तो विद्यालय की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो वे रोजगार भी स्वयं कर सकते हैं। अतः और छात्रों को सृजनात्मक शिक्षा भी प्रदान करवाना विद्यालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और आज अगर हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधी पाठ्यक्रमों में शिक्षा भी जोड़ी जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक कोर्स भी जोड़े जाते हैं जो शिक्षा के साथ में सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा छात्रवृत्ति, निर्धन परिवार के बालकों को सरकार को चाहिए कि उचित मात्रा में उन्हें छात्रवृत्ति है वो निर्धन छात्रवृत्ति है वो दिलवाई जाए ताकि वो निर्धन बालक है वो अपना अध्ययन से संबंधित कार्य वो आसानी से कर सके। और छात्रवृत्ति छात्र को मिलेगी तो उनके गरीब माता पिता के ऊपर शिक्षा का बोझ है वो नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में बालकों को छात्रवृत्ति है वो समय समय पर दिलवानी चाहिए, वो सही मात्रा में समय समय पर दिलवाने से छात्र वो शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा। और इस प्रकार से छात्रों को विभिन्न प्रकार से गरीब छात्रों को शिक्षा में जोड़ा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार है वो उनके बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रयासरत रहती है और विभिन्न प्रकार के कार्य वो करती हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।